इसलिए प्रसिद्ध है। 1000 वर्षों से एक वृक्ष का पेड़ है 2 एकड़ में फैला हुआ है। गाइस वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। आज हम आए हैं देवरी से 16 किलोमीटर दूर महाराजपुरा है, वहाँ है 64 युगनी माता का मंदिर, वहाँ हम लोग आए हैं बहुत दिनों से ब्लॉग। फाइनली 64 युगनी माता के यहाँ आ चुके हैं, देख रहे हैं इसलिए प्रसिद्ध है। 1000 वर्षों से एक वृक्ष का पेड़ है 2 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही जगह में ये पेड़ फैला हुआ है, आप देख सकते हैं ये माता जी का मंदिर। यहाँ भैया जूम करो, कैमरामैन जूम करो, यहाँ पर हमें जूम करो। प्रसाद दे लिया है, भारी महंगा दिया है, ये 2 रुपये की अगरबत्ती 5 रुपये में, ये नारियल टेढ़ा मत करो, मोबाइल सीधा है, ऐसा करो बिल्कुल सीधा। यहाँ देखो ऐसी दुकानें खुली हैं, सो गई हैं भाई, तो फिर वह और कौन की जे? बहुत ही विशाल काय वृक्ष का पेड़ है, काफ़ी सालों से लगा हुआ है। मस्तु भाई पूजा करने लगे हैं, क्या कर रहा है भैया, नारियल फूल रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ के, अच्छा लग रहा है तेरे पर नारियल यहाँ फूल हैं। यहाँ दुकानें भी हैं,
यहाँ इतने सारे घंटे और मन्नतें रहती हैं, वो पॉलीथिन बंधी हुई हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। चौंसठ युगनी माता के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। यहाँ पर 64 देवियाँ हैं जैसा कि बता रहा है। शैलपुत्री, चंद्रघट्टा, हाय गाइस, मैं आज आया हूँ श्री 64 युगनी धाम पनारी, देवरी से 17 किलोमीटर दूर। कई वर्षों से प्रसिद्ध यहाँ बरगद का पेड़ बहुत सी जगह में फैला है। साथ में सिद्धार्थ आया है। यहाँ पर दुकानें भी हैं छोटी छोटी। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जे मंगोड़ी खावे में लगे हैं, इनने एक आधी सी वीडियो का बना रही, इनको तो भूख लगे आई। देखो नई स्वेटर लगी। सब जा रहे हैं घर की तरफ। आपको कैसा लगा ब्लॉग बताइए, कमेंट कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा वो ब्लॉग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहाँ खा रहा है? मंगवाड़ी। कहाँ से ले आई थी? ठेला से क्या बोला घर को।